और देखिए, यूपी सरकार ने नवंबर माह को यातायात माह के रूप में मनाते हुए जिले के कई गांव चट्टी चौराहों और स्कूल में जागरूकता अभियान चलाया है। आजमगढ़ के जहानागंज थाना अध्यक्ष के गुप्ता और यातायात उप निरीक्षक जयशंकर सिंह ने स्थानीय विद्यालयों में बच्चों को यातायात के नियमों के बारे में बताया है। बच्चों ने वचन लिया है कि वो अपने परिवार और रिश्तेदारों को बताएंगे कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और यातायात के सभी नियमों का पालन करें। पालन करके ही वे सुरक्षित रह सकते हैं और उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। नमस्कार, मैं रामोदर उपाध्याय, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 न्यूज चैनल। आज यातायात माह पूरे उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से चलाया जा रहा है। योगी की पुलिस ने पूरी तरह से स्कूलों में जाकर के, गांव गांव में जाकर के लोगों को जागरूकता अभियान चला रही है। मिशन शक्ति के तहत लोगों को, महिलाओं को भी जागरूक किया जा रहा है, बच्चों को सारे टोल फ्री नंबर के बारे में बताया जा रहा है, तो पोर्टल पे भी बताया जा रहा है कि ये सरकार पोर्टल है, इसमें भी अगर आप शिकायत करेंगे तो निश्चित आपके मामले का निस्तारण होगा। आज हम जहानागंज के जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ सारे बच्चे हैं यहाँ पर। आइए हम उन्हीं बच्चों से पूछते हैं कि इन बच्चों को यातायात माह के बारे में कहाँ तक जागरूकता मिली है। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर इक्षिता वर्मा है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु माधव विद्यालय जहानागंज है। मुझे सर लोगों ने सिखाया है कि हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी बहुत बहुमूल्य है। हमारी अगर परिवार का कोई सदस्य अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो हमारे पूरे परिवार को इस समस्या से जूझना पड़ता है। तो बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं इस अभियान का जागरूकता तो आ रही है। आइए हम और कुछ बच्चों से बात करते हैं। बेटा, क्या नाम आपका? मेरा नाम आदित्य विश्वकर्मा है, मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय जहानागंज का छात्र हूँ। क्या यातायात माह के लिए आपको जागरूकता की गई, क्या आपको कुछ समझ में आया? हमें यातायात माह के लिए सर ने हमें यह सिखाया है कि यातायात दुपहिया वाहन या फिर चार पहिया वाहन चलते समय हमें चार पहिया वाहन पर हमें सीट बेल्ट जरूर लगाना चाहिए और दुपहिया वाहन पर हेलमेट जरूर लगाना चाहिए। मैडम, ये बच्चों को आज यातायात माह के चलते जहानागंज थाना अध्यक्ष और यातायात पुलिस उप निरीक्षक भी आए हैं, बच्चों को अवेयरनेस दे रहे हैं, क्या कहना है आपका, कहाँ तक ये सफलता है, चूंकि आपके बच्चे बड़े अवेयरनेस जागरूक है? नहीं, ये बहुत जरूरी है, बच्चों को जानना चाहिए कि सड़क पे कैसे चलना चाहिए, क्योंकि हर दिन दुर्घटना होती जा रही है, तो इनके लिए बहुत जरूरी है जानना कि, क्योंकि ये बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, कोई कोलू फोर से कहीं से, तो उनको जानना चाहिए कि सड़क पे कैसे चलना चाहिए, अपने दाएं चलना चाहिए कि बाएं चलना चाहिए। सर ने ये यातायात माह का जो शिविर लगा के बच्चों को बताया, यानी यातायात माह जो योगी सरकार चला रही है वो कहीं ना कहीं सफल होता दिख रहा है। नीतीश चतुर्वेदी के साथ राम अवतार उपाध्याय, नेटवर्क 10, आजमगढ़।